अभी हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग ऑब्जेक्ट के ऊपर उसके कंपोनेंट्स के सिलेक्शंस कर सकते हैं। ओके, वेरी इजी। सबसे पहले सिलेक्ट को, इस मेनी को मैंने बाजू में लेके रखा है। ओके, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है जो मैं यूज करना चाहूंगा, जो बहुत इजी है। मैंने यहाँ पे अभी कुछ भी क्लिक करके नहीं रखा है और मैं यहाँ पे सिर्फ सिंगल क्लिक करूंगा और ये सब ऑब्जेक्ट्स सिलेक्ट हो जाएंगे जितने भी मेरे सीन के अंदर अवेलेबल है। मैं इसको क्रॉस चेक करने के लिए आउटलाइनर के अंदर जाता हूँ और आप देख सकते हैं मेरे सीन में एक्चुअली दो ज्योमेट्रीज और दो लाइट्स अवेलेबल है, वो सारे के सारे यहाँ पे सिलेक्ट हो गए। अगर मैं चाहूँ तो इनको बाय टाइप भी सिलेक्शन कर सकता हूँ, तो ऑल बाय टाइप, और यहाँ पे मेरे पास और एक मेन्यू आ जाता है सिलेक्शन के लिए। इसके अंदर मैं सबसे पहले इन सबको डिसलेक्ट करना चाहूंगा, सो डिसलेक्ट ऑल, और ऑल बाय टाइप के मेन्यू के अंदर जाके मैं सिलेक्ट करता हूँ, लेट्स सी, पॉलीकॉन ज्योमेट्री। और आप देख सकते हैं किस तरह से सिर्फ ये दो हाईलाइट हो गए, दो सिलेक्ट हो गए कि हम लोग ने यहाँ पे सिलेक्ट किया पॉलीकॉन ज्योमेट्री। अभी ट्राई करते हैं लाइट्स, क्लिक, और अभी ये सिलेक्शन शिफ्ट हो गया टू लाइट्स, मतलब सिर्फ सीन के अंदर जो लाइट्स है, जितने भी लाइट्स है वो सारे सिलेक्ट हो गए। है ना इंटरेस्टिंग? तो ये बहुत यूजफुल है। इसके बाद मैं फिर से एक बार इसको सिलेक्ट करना चाहूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे और एक ऑप्शन है इनवर्स, ये सिलेक्शंस को इन्वर्स कर देगा, लेकिन देखते हैं कि किस तरह से वह करता है। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके रखता हूँ और आप देख सकते हैं मैंने पी स्पीयर 1 सिलेक्ट करके रखा है। अभी मैं क्लिक करूंगा इन्वर्स के ऊपर, आप देख सकते हैं किस तरह से इन्वर्स करने के बाद ये स्पीयर डिसलेक्ट हो गया और बाकी सीन के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट डिसलेक्टेड थे, मैंने सिलेक्ट नहीं किए थे, वो सिलेक्ट हो गए। एक बार फिर से क्लिक करते हैं एंड बैक टू स्पीयर। ये बहुत यूजफुल है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग के पास दो ऑप्शंस रहते हैं, ग्रो एंड श्रिंक। ध्यान में रखिएगा, अभी भी हम लोग ज्योमेट्री के कंपोनेंट्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ अभी ज्योमेट्री देख रहे थे। हम लोग वहां पे जाएंगे, फिलहाल देखते हैं कि किस तरह से ये वर्क कर रहा था। इसके नीचे है ग्रो, मैं इसको क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं अभी ये ग्रो एंड श्रिंक यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। अभी हम लोग देखेंगे कंपोनेंट, तो मैं अभी कोई भी एक ज्योमेट्री सिलेक्ट करूंगा, इन दिस केस मैंने सिलेक्ट किया है प्लेन, एफ दबा के फोकस करूंगा, थोड़ा सा मैंने इसको रोटेट किया, और अभी मैं चाहूंगा एक कंपोनेंट मोड के अंदर वर्टेक्स। यहाँ पे मुझे कोई भी एक वर्टेक्स सिलेक्ट करनी है, जैसे ये, और अभी मैं सिलेक्ट करूंगा ग्रो। आप देख सकते हैं किस तरह से इस वर्टेक्स के एडजेसेंट सक्सेसिव, उसको लग के जितने भी वर्टाइसेस थे वो सारे सिलेक्ट हो गए। एक बार फिर से करते हैं ग्रो। ओके एंड ग्रो, इस तरह से हम लोग सिलेक्शन को बढ़ा सकते हैं और उसके अपोजिट श्रिंक भी कर सकते हैं। सो श्रिंक, अगर मैंने कोई एक एरिया सिलेक्ट किया और मैंने शिफ्ट दबा के फिर से एक बार एरिया सिलेक्ट किया उसके अंदर ऐड करने के लिए, तो मैं अभी फिलहाल अगर श्रिंक क्लिक करूंगा, आप देख सकते हैं किस तरह से ये एरिया को श्रिंक करता है जो भी सिलेक्टेड है, और यहाँ पे पूरा एरिया डिसलेक्ट हो गया। अल्टीमेटली ये भी उसी तरह से अल्टीमेटली डिसलेक्ट हो जाएगा श्रिंक करते करते। ओके, तो बहुत यूजफुल है ये दो ऑप्शंस। इसके बाद मैं अगर वर्टाइसेस को सिलेक्ट करना चाहता हूँ एक ही लाइन के, ओके, या फिर आपको पूरा लाइन अगर सिलेक्ट नहीं करना है, कभी कभी क्या होता है, हम लोग काम करते वक्त हमें वर्टेक्स को सिलेक्ट करना होता है सिर्फ एक लाइन या फिर कुछ एक लिमिटेड एरिया। ओके, इसे
एफिशिएंटली काम करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, कोई भी एक वर्टेक्स सेलेक्ट करना है जिस लाइन के अंदर आपको सारे वर्टेक्सेस सिलेक्टेड चाहिए, और फिर उस पर्टिकुलर वर्टेक्स के ऊपर जाइए जहां तक आपको सिलेक्शन चाहिए, शिफ्ट दबाइए और डबल क्लिक कीजिए। आप देख सकते हैं किस तरह से सिर्फ लिमिटेड लाइंस में मैंने वर्टेक्सेस को सिलेक्ट किया। ओके, जैसे हम लोग ये वर्टेक्सेस के ऊपर कर रहे हैं, ट्राई करते हैं एजेस के ऊपर। सो राइट क्लिक एजेस, सो सिलेक्ट, आगे जाइए, डबल क्लिक, हो तो ये इसके ऊपर भी वर्क करता है। ओके, तो बहुत यूजफुल है। ट्राई करते हैं यही चीज फेस के ऊपर। सो राइट क्लिक कीजिए फेस, सिलेक्ट, आगे तक जाइए, डबल क्लिक, ये इसके ऊपर भी वर्क करता है। तो हम लोग देख सकते हैं किस तरह से हम लोग वेरी वेरी एफिशिएंटली काम कर सकते हैं अगर हम लोग को ये सिलेक्शंस किस तरह से करना पता है। ओके, एक बार फिर से हम लोग वर्टिसेस में जाते हैं और मैं अभी कुछ वर्टिसेस को सिलेक्ट करूंगा। ओके, एक लाइन में, सो सिलेक्ट, शिफ्ट, डबल क्लिक। आप देख सकते हैं ये अगर मैंने लाइन को छोड़ दिया तो ये सिलेक्शन नहीं करेगा। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। ओके, ये सिलेक्शन ऑन रख के ही, लेकिन एक ही लाइन में, डबल क्लिक, अभी भी नहीं करेगा। ओके, तो ये ध्यान में रखिएगा कि आपको ये वर्टाइसेस दो अगर आप सिलेक्ट करेंगे, कोई भी दो वर्टाइसेस, वो एक ही लाइन में होने चाहिए। राइट, सो सिलेक्ट और उसी लाइन के अंदर डबल क्लिक और सिलेक्ट हो गए। अभी मैं चाहता हूं कि जितने भी मैंने वर्टाइसेस सिलेक्ट किए हुए हैं वो सारे कन्वर्ट हो जाए एज के सिलेक्शन के अंदर। ओके ओके, सो सिंपली मैं क्या करूंगा अभी, इस मुझे यहां पे ढूंढना है कन्वर्ट सिलेक्शन और इस मेन्यू को मैं बाहर लाता हूं और यहां पे मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं विद शॉर्टकट्स। मैं अभी करना चाहूंगा इसको कन्वर्ट इनटू टू एजेस। सो इसको क्लिक कीजिए, आप देख सकते हैं वर्टिसेस को जितने भी एडजेसेंट सिलेक्टेड एजेस थे वो सारे सिलेक्ट हो गए। ओके, एक बार अंडू, ट्राई करते हैं टू फेसेस, सिलेक्ट, और आप देख सकते हैं जितने भी फेसेस उन वर्टिसेस को लग के थे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। ओके, अभी ट्राई करते हैं उल्टा। ओके, मैं सिंपली अभी क्या करूंगा, मैं कुछ फेसेस को सिलेक्ट करूंगा रैंडमली इस प्लेन के ऊपर। ओके, और अभी हम लोग ट्राई करते हैं सिलेक्शन टू कन्वर्ट टू वर्टिसेस, क्लिक, और वेल इस तरह से वर्क करता है। आप देख सकते हैं जितने भी मैंने फेसेस सिलेक्ट किए हुए थे उसके ऊपर जितने भी वर्टिसेस थे वो सारे के साले सारे एक्सक्यूज मी सारे के सारे सिलेक्ट हो गए। तो एक बार फिर से ये ट्राई करते हैं, इसी को कन्वर्ट करते हैं टू एजेस। तो इसको लग के जितने भी एजेस हैं वो सारे सिलेक्ट हो जाने चाहिए, सो टू एजेस। ओके, अभी मैं और एक चीज करूंगा, जब मैंने टू एजेस किया अभी मैं एज सिलेक्टेड मोड में हूं, इसी को मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा तो मैं यूज करूंगा अभी टू एज लूप एंड क्लिक। तो आप देख सकते हैं ये जो लाइंस मुझे दिख रही हैं हाईलाइटेड वो सारी की सारी कंटिन्यूस लूप हो जाएंगी, सो टू एज लूप, और सारे एजेस अभी लूप में सिलेक्ट हो गए। ओके, तो ये कैसे वर्क करता है, कोई भी एज सिलेक्ट कीजिए और कीजिए टू एज लूप, दिस इज एज लूप। आप यही चीज डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं। टू एज रिंग, ये भी इंटरेस्टिंग है, कोई भी एजेस सिलेक्ट कीजिए ऐसे। ओके, और कीजिए टू एज रिंग,
और इसको कहते हैं एच रिंग, इसको कहते हैं हम लोग रिंग। ओके, तो ये कुछ इंटरेस्टिंग सिलेक्शन टूल्स हम लोग यूज करते हैं काम करते वक्त। आपको इसका प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे आगे जाके यूज करेंगे हम लोग।